मैंने तो इस घर से निकाले जाने के लिए बुरा खाना बनाया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि थानेदार साहब ने पूरा मामला संभाल लिया। वीर जी, कितनी मासूम है तेरी बिंदनी, इससे अच्छी तो तुझे मिल ही नहीं सके थी। मारे से बहुत बेहतर बिंदनी मिल जाती। मैं तो घेली हूँ, छपते को कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती हूँ, लेकिन थानेदार साहब ने मारे से कभी शिकायत नहीं की। पता है, ये मारे से पहले सुबह सुबह उठ जाते, मारे से बहुत अच्छी अलमारी अच्छे से सजा के रखते हैं, घर से लेके थाने से लेके रसोई के सारे काम आते, इतना अच्छा खाना बनाते, और मैं तो अच्छा खाना बनाता। थारे पति ने तुझे खाना बना कर खिलाया? नहीं नहीं, वो पग फेरे की रस्म के लिए मारे मायके आए थे ना, तो रसोई में मारी माँ की उन्होंने मदद की थी, वो उनके पैर में चोट लग गई थी ना, इसीलिए। ये तो बहुत अच्छे, लेकिन मुझे ही खाना बनाना। ये इस खाने का बिल है। आपको तो अच्छे से पता है ना कि बुलबुल को किचन का काम बिल्कुल भी नहीं आता है, तो खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। ये देखो दादी, इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन के दिन भी चाची ने बाहर से खाना मंगवाया और आपसे झूठ बोला। एक बिंदनी का नाम उसके सासरे के साथ जुड़ा होता है, सासरे का मान सम्मान इज्जत सब बिंदनी के हाथों में होती है, वो चाहे तो समझदारी से सब कुछ संभाल सकती है, और अगर बिंदनी चाहे तो झूठ बोलकर धोखा देकर सासरे का नाम मिट्टी में मिला सकती है। और आज यही परीक्षा थी तुम्हारी बुलबुल। आज तुम्हारे मुंह दिखाई है, तुमने मेहमानों को खुश किया, इसीलिए ये तुम्हारे लिए। हमारा खानदानी हार है, मेरी सास ने मुझे दिया था, और आज मैं अपनी अपनी बहू को दे रही हूं। इस हार के साथ इस परिवार की, इस घर की इज्जत मान मर्यादा सब तुम्हारे हवाले है। दादी, बुलबुल चाची को झूठ बोलने के लिए डांटने की जगह अब मम्मा वाला हार दे रही है। मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं, घर वालों की बात घर वालों के सामने होगी। अरे वाह, खानदानी हार तो मिल गया। बहू, अब जरा पहन के भी तो दिखा दे। हाँ हाँ,
बुलबुल, हार निकालो, मैं अपने हाथों से तुम्हें हार पहनाऊंगी। लाओ। नहीं। अरे सुलक्षा, बहू को बोलो ना पहन के दिखाए। नहीं, मैं ये हार नहीं पहन सकती। बुलबुल, बुलबुल, क्या बचपन है ये, चुपचाप समधन सा को हार पहनाने दे, चल। माँ, मैं हार नहीं पहन सकती। सबके सामने तो समधन सा की बात काट कर और उनका अपमान करके भारी परवरिश पर भी दाग लगा रही है। चल पहन। मैंने कहा ना माँ, मैं ये हार नहीं पहन सकती। ये लड़की खुद अपना बना बनाया काम बिगाड़ती है, आखिर ये चाहती क्या है? भाभी साहब, आपकी बात को ना कहने की आज तक किसी की हिम्मत भी नहीं हुई है, पर आपकी बहू तो बहुत तेज निकली भाभी साहब। सुलक्षणा, अब थारे परिवार में थारी पकड़ एकदम ढीली पड़ गई है। सास का हुक्म कैसे टाल रही है? अपनी जगह दिखा रही है क्या इस घर में? अरे भाभी, पहन लो ना, माँ इतने प्यार से बोल रही है तो पहनाने दो, क्या हो गया? कोई और बड़ी बात है, वरना बुलबुल कभी इतने लोगों के सामने माँ की बात ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आपने मारे को ये डब्बा दिया था, मैं इसके वजन से ही समझ गई थी कि ये अनजाने में खाली रह गया है। अगर मैं इसे सबके सामने खोलती तो आपकी बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हो जाती। देखा सुलक्षणा, मेहमानों के सामने थारी बात काट के इसने सारा अपमान अपने सर पे ले लिया, और थारी डांट सुनी सो अलग, उन मेहमानों ने न जाने इसके बारे में क्या क्या कहा, और ये छोरी चुप रही। जो ये खाली डिब्बा सबके सामने खुल जाता तो थारी क्या इज्जत रह जाती बता? एक मौका न चूकते हुए थारा अपमान करने का। इस बिंदड़ी ने थारा अपमान होने से बचाया। की हर माँ की तरह हमारी माँ ने भी मारे को अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार और मान मर्यादा का मान करना सिखाया है। हमारी जीजी और हमारे भाई साहब तो सब कुछ जल्दी जल्दी सीख गए, लेकिन मैं कभी कभी गलती कर देती हूँ। लेकिन एक बात मारी गुड़ की ढेली की मैं कभी नहीं भूलती कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने सासरे वालों की इज्जत पर कभी कोई हाथ मत आने देना। चाहे फिर तुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। भाभी, जब आपको पता था कि बॉक्स खाली तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं, और चुपचाप माँ की डांट भी सुनते रहे? क्योंकि मारी बींदड़ी ने आज तक किसी को पलट के जवाब देना ना सीखा, खास करके बड़ों को। वो बड़ों की बात सुनेगी और उनकी कही हुई बात सर आंखों पे रखेगी। तो फिर हार गया कहाँ? आपने खुद अलमारी से हार निकाला था माँ, तो फिर ये डब्बा खाली कैसे निकला? वर्णिका, दादी, दादी, मैंने हार डिब्बे में ही रखा था, कहीं गिर गया होगा। हाँ,
ऋषि दीदी और गीता आंटी के पीछे गए थे ना रेस्टोरेंट वाले डब्बे देखने, तब कहीं गिर गया होगा।